हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी टाउन. दिस इज राजन. आई एम अ मूवी क्रिटिक. और मैंने मूवी देखी ज़िविगेटो. ज़िविगेटो मूवी इज डायरेक्टेड बाय नन अदर देन नंदिता दास, जो कि एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं और एक बहुत ही बेमिसाल डायरेक्टर हैं. मंतो मूवी तो याद होगी आपको. जी हाँ, ये वही डायरेक्टर हैं. और इन्होंने इस बार भी मुझे निराश नहीं किया, क्योंकि मुझे मूवी जो है बहुत पसंद आई. और इसके मुख्य किरदार हैं कपिल शर्मा, जो एक कॉमेडियन हैं, और उनके साथ है शाहाना गोस्वामी. दोनों के ही रोल्स मुझे बहुत पसंद आए. और एक बहुत ही रियलिस्टिक सेटअप है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल सीन्स हैं. और बहुत सिंप्लिसिटी से ये मूवी बनाई गई है. अभी नंदिता दास जिन्होंने मंतो मूवी बनाई थी, उनके लिए उनको बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिला था. और ये मूवी में भी बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं, बट मुझे ये मूवी पसंद आई, उनका डायरेक्शन पसंद आया. ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिस जो एक फैक्ट्री मैनेजर सुपरवाइज़र होता है, और उसकी पैंडेमिक के टाइम जॉब छूट जाती है, जो कि बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली लो मिडिल क्लास. व्हाट ऑल हर्डल्स एंड यू नो ऑब्स्टेकल्स दे वेंट थ्रू ड्यूरिंग पैंडेमिक. तो उस वक्त मैनी ऑफ देम दे वर लेड ऑफ इन द लॉस्ट जॉब्स. तो उन्हें क्या संघर्षों से गुजरना पड़ा, किस तरह से किस स्ट्रगल से जूझना पड़ा, वो ये मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है. और कपिल शर्मा, मुझे डाउट था कि वो कैसे रोल निभाएंगे, बट उनका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत ही रियलिस्टिक, रिलेटेबल, जिससे आप रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ. और बहुत ही सिंप्लिसिटी से उन्होंने उस रोल में जान भर दी. लोगों को ये मूवी स्लो पेस लग सकती है, लेकिन मुझे ठीक लगी. और एडिटिंग भी बहुत बढ़िया है. 1 hour 45 minutes की मूवी है, कहीं कोई स्ट्रेच नहीं किया. और वही सिंपल ज़िंदगी दिखाई गई है कि कपिल शर्मा को एक डिलीवरी एजेंट बनना पड़ता है जब उनकी नौकरी छूट जाती है. और वो रेटिंग्स और वो डिलीवरी के माया जाल में, रेटिंग्स और इंसेंटिव्स के माया जाल में फंस जाते हैं. और किस तरह संघर्षों से उन्हें उभरना पड़ता है, अपनी फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है. सो उनकी वाइफ भी मसाज पार्लर में काम करती है. शी डज मैनी अदर odd jobs to survive. So that stint of survival is shown in the movie and it is shown very nicely. I don't know क्यों mixed reviews आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ये movie का सब कुछ cinematography अच्छी लगी by Ranjan Palik. And direction अच्छा है, performances अच्छे हैं. शाहाना गोस्वामी ने भी बहुत अच्छा support किया है, बहुत अच्छा contribute किया है as a wife. उनका जो भी role है उसमें सादगी है, सच्चाई है. और कपिल शर्मा, आई वॉज अमेज्ड बिकॉज ही इज़ अ कॉमेडियन, बट शायद वो उस दौर से गुजरे होंगे कि उन्होंने अपना रोल इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया. और जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, या फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन होता है, या एंगर, या ऑल दोस गमट ऑफ इमोशंस, डिप्रेशन, डिनाइल एंड फाइनली एक्सेप्टेंस, एंड देन लास्ट में जब क्लाइमैक्स में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वी हैव टू लिव इन दीज सर्कमस्टांसेस, एंड देन सेलिब्रेशन बिगिंस. और वहीं पे मूवी ख़त्म होती है. लोग बोलते हैं कि बहुत ही एब्रप्ट क्लाइमैक्स है, बट मुझे बिल्कुल भी एब्रप्ट क्लाइमैक्स नहीं लगा. कि वो अपनी सिचुएशन से एडजस्ट कर लेते हैं, एंड व्हेन यू एडजस्ट, व्हेन यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, देन देर इज़ नो मोर फ्रस्ट्रेशन, देर इज़ ओनली हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन. वही वो मूवी में एंड में दिखाया गया है, विच इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग. तो मैं ये मूवी को दूंगा 3.5 out of 5 stars. मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी. डोंट गिव इट अ मिस. आप ये मूवी से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे. हर वो इंसान जिसने हार्डवर्क किया है, संघर्ष किया है जीवन में, वो ये मूवी से रिलेट कर पाएगा. थैंक यू सो मच.